हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है। तो साइनोप्सिस देखते हैं। साइनोप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ग्रैंडुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, न्यूरल एंड एंडोक्राइन इंटेग्रेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, फिर है कंक्लूजन, फिर रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो मुख्य फंक्शन या सिस्टम पाए जाते हैं, पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। यदि लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म अमीबा को ही देख लेते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, जिसके थ्रू ये अपने बैलेंस बनाए रखते हैं एवं पोषण करते हैं। जैसे जैसे जो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की ओर बढ़ती गई, तो ये ज़रूरी हो गया कि अलग अलग सेल्स के मध्य आपस में एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो, ये ज़रूर हो गया था। तो नर्वस सिस्टम की ओरिजिन हुई, साथ ही जीवन में विभिन्न कार्यों के सही तरीके से नियमन करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम एवं हार्मोनल सिस्टम जैसे चीज़ों की उत्पत्ति हुई। अतः शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम एवं हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप संभव हो जाता है। अतः इस प्रकार न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल द्वारा जीवों के उनके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए कैसा बिहेवियर शो करेगा या कैसा बिहेवियर करना चाहिए निर्धारित होता है। इस प्रकार न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर जीवों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करता है। डेफिनेशन देखते हैं न्यूरल का। न्यूरल रेगुलेशन इज कोऑर्डिनेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अब देखते हैं बिहेवियर। बिहेवियर की वह प्रोसेस जो न्यूरॉन्स इट मीन नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, न्यूरल कंट्रोल और बिहेवियर कहलाता है। अब सेकेंड देखेंगे डेफिनेशन हार्मोन्स का। हार्मोन आर केमिकल दैट आर रिलीज्ड इन टू द बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड। बिहेवियर की वह प्रोसेस है जो हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर कहलाता है। फिर है ग्रेनुलर सिस्टम। द बॉडी हैज द टू टाइप्स ऑफ ग्रेनुलर सिस्टम, नेमली एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड रक्त प्रवाह के माध्यम से हार्मोन का स्त्राव करती है। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोसेस को चेंज कर कंट्रोल करता है। हार्मोन सेक्रेशन की दर को द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी आर द फॉलोइंग। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है पीनियल ग्लैंड, तीसरा है थायराइड ग्लैंड, चौथा है पैराथायराइड ग्लैंड, फिफ्थ है एड्रिनल ग्लैंड, सिक्स है ओवरीज और सेवन्थ है टेस्टिस। हाइपोथैलेमस ब्रेन के नीचे स्थित होता है। यह ब्रेन के नीचे निकलने वाले कई हार्मोन को कंट्रोल करता है। फिर है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स आउटसाइड द ब्लड। यह अपना स्त्राव बॉडी की गुहा में छोड़ता है, जैसे कि आंत या बॉडी की सतह पर। एग्जांपल है इसका लीवर, सेलेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड एक्सेट्रा। फेरोमोन एक केमिकल पदार्थ का उत्पादन होता है और एनिमल द्वारा इन्वायरमेंट में छोड़ा गया है। फिर है नर्वस सिस्टम। जिस सिस्टम के थ्रू वेरियस ऑर्गन का कंट्रोल्ड और ऑर्गन एंड एनवायरनमेंट में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इनसे निकलने वाले नर्वस की काउंट की जाती है। एक न्यूरॉन बॉडी में एक सेल है जो इंफॉर्मेशन को लाने और ले जाने के लिए विशेष है। वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक न्यूरॉन एक भाग से दूसरे में इंफॉर्मेशन ले जाता है, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक प्रोसेस कहा जाता है। रासायनिक भाग दो न्यूरॉन्स के बीच एक जंक्शन पर होता है, जिसे सिनॉप्स कहा जाता है। बॉडी सी टर्टाइज अपॉन हैचिंग ऑन अ बीच आर प्रोग्राम्ड टू सॉक द वाटर। वे सबसे अधिक केयरफुली से अपनी माँ के नेचर के होते हैं। फिर है न्यूरल बिहेवियर। नर्वस सिस्टम बहुत सारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसका स्टडी न्यूरो इथोलॉजी के द्वारा किया जाता है, जो कि साइंस है। एनिमल तथा ह्यूमन के कंट्रोल नर्वस सिस्टम बिहेवियर को कंट्रोल करता है। न्यूरोइथोलॉजी
साइंस की एक ब्रांच है, यह न्यूरोसाइंस के अंतर्गत आता है, जैसे नेचर सिलेक्शन, फाइनमेट नेविगेशन, लोकोमोशन, प्रीडेटर और अवॉइडेंस। फिर है बिहेवियर इन बैट्स, इथोगेशन द्वारा प्री कैप्चर एंड नेविगेशन बैट्स प्रोड्यूस इथोलोसन बाय एमिथिंग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिफ्रेश थ्रू देयर माउथ नाक पर एंड लिसनिंग द साइज शेप एंड टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनवायरनमेंट। इथोलोकेशन द्वारा प्री कैप्चर और नेविगेशन चमगादड़ नाक पर अपनी मुंह के माध्यम से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि फुफ्फुस उत्सर्जित करते हैं और पर्यावरण में वस्तुओं के आकार और बनावट के आकार को द्विविभाजित करके उत्सर्जक उत्पन्न करते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन एक्टिविटी के बेस पर बिहेवियर को न्यूरल साइंस एक्सप्लेन करता है। इसमें है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लाना इसका वर्क है। फिर सेकंड है मोटर न्यूरॉन, टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल ग्लैंड्स। फिर है इंटर न्यूरॉन इन सीएनएस का फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। फिर है न्यूरल एंड न्यूरल बिहेवियर, पैदा होने या जन्म लेने के बाद आफ्टर हैचिंग और बर्निंग ब्रिंग बर्न एनिमल के नर्वस सिस्टम इनकम्प्लीट फॉर्म में रहते हैं। वर्टिब्रेट स्पीसीज या तो आट्रिशियल या प्रीकोशियल बनती है, विशेष रूप से हैचिंग या जन्म के समय गर्भवान माता पिता की देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रजनन या जन्म के टाइम प्रोकोशियल को गहन माता पिता की केयर की नीडेड होती है। फिर है रिफ्लेक्सेस एक्शन, पलकों का झपकना, हृदय का धड़कन, उबासी आना या लेना, ये क्रियाएं एनिमल तथा ह्यूमन बींग में पाया जाता है। फिर है मसल एक्शन, एनिमल का पैरों की पीछे की ओर फेंकना या एनिमल का रनिंग, ये सभी मसल एक्शन में आते हैं। फिर है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, जिसमें पहला है सेक्सुअल बिहेवियर, इसमें पहला है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है जो मेल एनिमल में द्वितीय या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल को दर्शाता है। जिन एनिमल में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है वे एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं, जैसे बैल व सांड जितने भी अपराधी होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है। जब किसी एनिमल की टेस्टिस को निकाल दिया जाता है तो वो बांझ हो जाता है एवं शांत प्रकृति का हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हिरण के सींग और पावियों के रंग को पक्षियों के रंग को प्रभावित करता है। जब मुर्गियों को टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है तो नर की भांति व्यवहार व आवाज़ करता है। सेकेंड है ओरी से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन में दोनों का स्त्राव होता है। यह फीमेल के द्वितीय लैंगिक लक्षण को आप लोग लक्षण को हिंदी में लिख लीजिएगा, लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ओरी स्तन ग्रंथि को दुग्ध स्त्राव हेतु उद्दीपन करने तथा लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित कंट्रोल करते हैं, उद्दीपित करने या लैंगिक व्यवहार को दर्शाते हैं और कंट्रोल करते हैं। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय यूटेरस को निषेचित अंडे के रोपण या फिर इम्प्लांटेशन हेतु तैयार करने तथा गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिर एग्रेसिव बिहेवियर, सोशल बिहेवियर के कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जो सेक्सुअल हार्मोनल को प्रभावित करते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर पिट्यूटरी को प्रभावित करते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर पिट्यूटरी एड्रेनुलर सिस्टम तथा पिट्यूटरी एड्रेनल सिस्टम दोनों के विभिन्न प्रकारों के हार्मोनों से प्रभावित होते हैं। रेड ब्लडेड वर्ब ब्लडेड और पीयूष ग्रंथि का ल्यूटिनास जिंग हार्मोन
आक्रामक व्यवहार को कंट्रोल करता है। चूँकि अधिकांश जातियों में मादा के अपेक्षा नर अधिक आक्रामक होते हैं, अतः माना जाता है कि टेस्टोस्टेरोन आक्रामक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका के खतरनाक अपराधियों के अध्ययन में ज्ञात हुआ कि उनमें टेस्टोस्टेरोन का ऊंचा स्तर जाल पाया जाता है। फिर है मैटरनल बिहेवियर, बदकों होगा ना ये, ट्रोप्स में प्रोजेस्ट्रॉन, स्त्राव उष्मायन के प्रारंभ के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि स्तर कम हो तो मादा अंडे देना बंद कर देते हैं। यदि स्तर कम हो तो मादा अंडे देना बंद कर देती है तथा नर के द्वारा बनाए गए घोंसलों में जाकर अंडे को देती है और सेती है तथा नरों के लिए देखभाल के लिए छोड़ देते हैं। उपयुक्त व्यवहार में भोजन के लिए हार्मोन उपयुक्त मात्रा या अनुपात में होने चाहिए। मादा चूहियाएँ अपने शिशुओं के प्रति ध्यान देने के भिन्न भिन्न स्तर प्रदर्शित करते हैं जो कि हार्मोन स्तर से संबंध है। नवजातों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है वह देख रेख की जाती है, परंतु जैसे जैसे ये बढ़ते हैं सशक्त होते हैं। मादा चूहिया इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ढेर अकेला छोड़ना शुरू करती है और अनप्रसित कहलाते हैं। फिर है मिसलेनियस, हार्मोन का इफेक्ट सेक्सुअल बिहेवियर तथा एग्रेसिव जैसे विशिष्ट व्यवहारों तक सीमित नहीं है। कुछ अन्य मामलों में हार्मोन सामान्य गतिविधियों को कंट्रोल करता है। नर और मादा जब भी अपने अधिकार क्षेत्र को अंकित करने हेतु फेरोमोन का स्राव करते हैं तो वास्तव में हार्मोनों पर डिपेंड फेरोमोन होते हैं। तीन जूनोलिस्टिकल बैकफिश अंशस में खारे पानी से मीठे जल की ओर प्रवसन अग्र पीवस से स्रावित TSH के प्रभाव में करती है। थायरोक्सिन का कृत्रिम इंजेक्शन देने से ये मछलियाँ बसंत के अतिरिक्त अन्य मौसमों में भी प्रवसन प्रारंभ कर देते हैं। नर तोते का गीत मादा में गोनाडोट्रोपस का निर्माण इस हद तक प्रेरित कर सकता है कि वह परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सके। सिग्निफिकेंस देखते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वॉकिंग, रीडिंग, लुकिंग सेंस एक्सेट्रा। एनिमल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर सीजनल है जो हार्मोनल एक्शन बेस्ड होता है। फिर हार्मोन बिहेवियर को संशोधित करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है ग्रोथ लेवल ऑफ ग्लूकोज, कंट्रोलिंग ब्लड कंसंट्रेशन। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल से एग्रेसिव बिहेवियर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है कंक्लूजन, ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि बहुत सारे एनिमल में न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर शो करते हैं जिसमें टू सिस्टम के थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरॉन और हार्मोन के थ्रू बॉडी में वेरियस फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है जिससे हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट में कंट्रोल की प्रोसेस चलती है। डिफरेंस है इसमें एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर, डॉक्टर पी नटरंजन बाइनेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।